हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ में नुपुर गुलाटी। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विद एनडीए के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस। एनडीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितने भी आपके एनडीए के एग्जाम में आ चुके हैं, इसका पार्ट टू। वन पार्ट, फर्स्ट पार्ट इसका हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप लोग सबको पता है एनडीए के एग्जाम की डेट आ चुकी है, दैट इज 5th ऑफ सेप्टेम्बर। तो हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 तक आए हुए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि ये वाला पोर्शन जो आए हुए क्वेश्चन है इसमें से अगर कोई रिपीटेड क्वेश्चन आता है तो वो मिस होना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ आपका काम, आपने तुरंत से कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताना है कि कौन सा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है, क्या प्रॉब्लम आपको है, आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही है, कौन सी आ रही है, ये सारी चीज आपने लिख करके मुझे कमेंट सेक्शन में साथ के साथ बताने हैं। ठीक, चले सर, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड को हम लोग या तो रक्त बोलते हैं या हम रुधिर बोलते हैं, खून नहीं बोलते। खून मतलब मर्डर, किसी का मर्डर करना है, इस खून। या तो हम इसे बोलते हैं रक्त या हम इसे बोलते हैं रुधिर। तो रुधिर क्या है? सबसे पहले ये सेल है या टिश्यू है, ये ऊतक है या कोशिका है, पहले तो इस बारे में बात करते हैं। जो रुधिर है ये बहुत सारी कोशिकाओं का मिश्रण है, ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना। जो बहुत सारी कोशिका मिलकर एक ही प्रकार का कार्य करती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ऊतक। तो हमें ये बात तो समझ आ गई कि ब्लड क्या है, ब्लड एक ऊतक है। ब्लड क्या है? एक ऊतक है, एक टिश्यू है। ब्लड इज अ टिश्यू। अब ब्लड इसमें से कौन सा टिश्यू है? ब्लड एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंजेक्शन लगना है तो कहाँ लगाते हैं? मेरी आंख में दर्द है तो क्या इंजेक्शन आंख में लगाते हैं? कभी भी नहीं। इंजेक्शन कहाँ लगाते हैं? ब्लड में। ब्लड अपने आप जाएगा, आंख को दे देगा। तो ये क्या करेगा? हर पार्ट को, जिसको जितनी जरूरत है, जिसको जहां पर जिस चीज की जरूरत है वहां पर उसको पहुंचा देता है। ये सारे ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर इज ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है हमारे पास? एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो करेक्ट आंसर इज संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ऑन। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली होती है, एक कोशिकांग होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस, स्वयं स्वायत्त। स्वयं स्वायत्त मतलब, स्वयं मतलब अपना काम, स्वायत्त मतलब खुद करती है, स्वयं अपने आप अपना काम करती है। तो इसको क्या बोलते हैं? स्वयं स्वायत्त। अपना काम कौन सा वाला? अपना काम खुद करती है, ये अपना डीएनए खुद बनाती है, ये अपना डीएनए खुद बनाती है, अपना जेनेटिक मटेरियल खुद बनाती है। तो इसका अपना डीएनए अपना आरएनए बनाएगा, इसका अपना आरएनए क्या बनाएगा? अपना प्रोटीन बनाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना क्या बनाता है? प्रोटीन। अगर इसका आंसर मुझे नहीं आएगा तो हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक खुद कोशिकांग है। न्यूक्लियस क्या है? खुद एक कोशिकांग है, तो न्यूक्लियस तो नहीं हो सकता। आगे चलो, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो खुद कोशिकांग है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बना सकता। माइटोकॉन्ड्रिया अपनी ऑर्गेनेली को दोबारा नहीं बना सकता, मतलब सेम ऑर्गेनेली को। डाइजेस्टिव एंजाइम, ये किसी भी प्रकार का डाइजेशन का काम करती नहीं है, इसके अंदर कोई भी पाचन का काम नहीं होता, ना ये किसी बैक्टीरिया को खाएगी, ना ये बैक्टीरिया को पचाएगी, ना ही उसको मारेगी। तो ये किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव काम नहीं करती। अगर ये किसी प्रकार का डाइजेस्टिव काम नहीं करती तो इसका काम क्या है? बचा क्या? प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर इज प्रोटीन। ये अपना डीएनए भी खुद बनाती है, ये अपना आरएनए भी खुद बनाती है, और ये अपना प्रोटीन भी खुद बनाती है। जो इसका डीएनए होता है वो केंद्रक के डीएनए से थोड़ा सा अलग होता है। केंद्रक का डीएनए ए टी जी सी सबकी मात्रा बराबर रखता है। इसके अंदर जी और सी की मात्रा अधिक होती है। इसमें जी और सी की मात्रा अधिक होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का हमको मिलता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है, उसके अंदर जी और सी की मात्रा सबसे अधिक होती है, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ये हमको पता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो अगर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो जी और सी सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसके अंदर जी और सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। डन, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही है?
तो इनमें से सबसे पहले बारी बारी करके पढ़ते जाते हैं, नीचे से पढ़ेंगे पर, ठीक है। जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, पहले तो ये समझो। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी तब भी मैंने आपको बताया था जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है। नहीं देखी तो आप इसकी फर्स्ट पार्ट की वीडियो देखकर आएंगे, उसमें मैंने जाइलम, जाइलम के फाइबर्स, फ्लोएम बताया था क्या होता है। जाइलम को हम हिंदी में दारू भी बोलते हैं, जाइलम वाहिनी भी बोलते हैं, या हम लोग दारू भी बोलते हैं, फ्लोएम को हम लोग हरिद्रा भी बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछता है, जाइलम के पास सीफ प्लेट, सीफ ट्यूब या कंपेनियन सेल होता है क्या? जाइलम के पास चालनी पट्टिका, चालनी नलिका और सहचर कोशिका होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि ये किसका पार्ट है, ये फ्लोएम का पार्ट है। ये तीनों जो भी हैं, सीफ ट्यूब, सीफ प्लेट और कंपेनियन सेल, ये फ्लोएम के पार्ट है। फ्लोएम यानी कि हरिद्रा का भाग है, ये तीनों क्या है, हरिद्रा का भाग होता है, ये हरिद्रा के पार्ट है तीनों, तो ये जाइलम का पार्ट नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ, ये तो हो गया भाई गलत। अब चलो आगे, पैरेन्काइमा हैव नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, मृत मृदु तक में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता। तीन तरीके के टिश्यूज होते हैं, एक होता है पैरेन्काइमा, एक होता है कोलेन्काइमा, एक होता है स्क्लेरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा होता है ये नया टिश्यू होता है, ये नया नया उगने वाला टिश्यू होता है, उत्तक होता है, ये नया बन रहा होता है। जब ये नया बन रहा होता है तो ये क्या होता है, न्यू डेवलपिंग सेल्स है, छोटा छोटा होता है, इसके पास बहुत सारा स्पेस होता है। पैरेन्काइमा स्पेस कम हो जाता है, जो बीच का गैप होता है वो कम हो जाता है। स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है, पूरी तरह मरा हुआ है, इसके पास बहुत गैप होता है, ओ सॉरी, इसके पास गैप बिल्कुल नहीं होता। तो सबसे ज्यादा गैप किसके पास पाया जाता है, पैरेन्काइमा के पास। तो ये भी बात समझ में आई हमको भाई, ये क्या है, गलत। थर्ड वन, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट ड्यू टू स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा डेड हो चुका है। जो मर जाते हैं इंसान, क्या उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है? अगर वो मर जाए तो उसका हाथ अगर खुला है तो खुला रहेगा, बंद भी नहीं होता, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। फ्लेक्सिबिलिटी कब नहीं होती, जब हम मर जाते हैं, जब हम डेड हो जाते हैं। तो अब स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है तो इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। सही आंसर इज, जाइलम के पास में क्या होता है, जाइलम फाइबर्स, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ट्रेकीज एंड वेसल। इसके अंदर क्या होता है, वाहिनी, वेसल्स, वाहिनियों, वाहिकाओं, या जाइलम मृदुतक, या फिर जाइलम तंतुओं से बना होता है, ठीक है। चले आगे, कोई दिक्कत यहां तक? इसका आंसर हो गया आपका फर्स्ट, इसका आंसर करेक्ट कौन सा है, ये आंसर इसका करेक्ट है, डन, समझ में आया। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। साथ साथ सब लोगों ने आंसर करना है, जिन लोगों को जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर जरूर करना है, जो नहीं आता उसके डिस्क्रिप्शन में आपको दे रही हूँ, पर बाकी जो आते हैं उनका आंसर आप लोगों ने साथ के साथ करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पॉपुलराइज्ड द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल करेक्टर इन टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के अंदर एम्ब्रियोलॉजिकल करेक्टर, टेक्सोनॉमी क्या होती है, सबसे पहले बात करते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी होता है वर्गीकरण विज्ञान, वह विज्ञान जो वर्गीकरण पे काम करता है। भाई देखो, यहाँ बहुत सारे जीव हैं, हमारे पास कुल जीवों की संख्या 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन होती है, 1.8 मिलियन के अराउंड है हमारे पास, ठीक है। 1.7 से 1.8 मिलियन जीव हमारे देश में पाए जाते हैं, जिसमें से 1.2 हमारे पास में एनिमल्स हैं और 0.5 के अराउंड हमारे पास प्लांट्स हैं। तो इतनी सारी प्रजातियों को हम पढ़ेंगे कैसे, हमें इनको वर्गीकृत करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। तो अलग अलग किसी ना किसी चीज के आधार पर करना पड़ेगा कि भाई इसको अलग कैसे कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को हम लोग अलग कैसे करते हैं, आप लोगों को अलग करते हैं, आप लोग सबकी उम्र 16 साल है, 17 साल है, 18 साल है। अगर आप लोगों की उम्र 18 साल है या 10 साल है या 5 साल है या 16 साल है, तो हमें पता है भाई 16 साल के बच्चे का दिमाग इतना होना चाहिए, इसको 11वीं 12वीं क्लास के अंदर होना चाहिए, तो हम आपको वहां इकट्ठा कर देते हैं। पर जीवों की बात करते हैं जब, ये तो हम एक प्रजाति की बात कर रहे हैं, एक प्रजाति की जिंदगी एक जैसी होती है, एक प्रजाति की जीवन अवधि एक जैसी होती है। पर अगर हम बात करें मृत्यु की,
मरने की, अलग अलग जीवों की वो भी। तो आप देखो सब जीवों का अपना मृत्यु का समय होता है। जैसे तितली, तितली 7 दिन तक जिंदा रहती है, कछुआ 250 से 350 साल जिंदा रहता है। अब इनको एक क्लास में कैसे करूं, कैसे पढ़ूं इनको? तो इनको वर्गीकृत करने के लिए हमें कोई और आधार देखना पड़ेगा। क्या आधार देखना पड़ेगा? हमको देखना पड़ेगा कि भाई किस आधार पर अब इन जीवों को वर्गीकृत करें। तो किस आधार पर हम इन जीवों को वर्गीकृत करते हैं? हमारे पास बहुत सारे आधार होते हैं। सबसे पहली बार जो इसको वर्गीकृत किया वो किया गया जानवरों और पौधों में। वो किया गया था कार्लस लिनियस। टू किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं, तो दो वर्गीकरण आपका ये दो वर्गीकरण सिस्टम कहते हैं इसको, ठीक है? दो वर्गीकरण का साम्राज्य बोलते हैं, दो साम्राज्य वर्गीकरण या दो वर्गीकरण साम्राज्य बात एक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। दैट इज गिवन बाय कार्ल लीनियस। ये कार्ल लीनियस ने हमको बताया था कि भाई सारे जीवों को दो भाग में विभाजित कर दो। जो चल पा रहे हैं वो जानवर, जो चल नहीं पा रहे हैं वो प्लांट्स, जो मूव कर रहे हैं वो जानवर, जो मूव नहीं कर पा रहे हैं वो प्लांट्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो पौधे, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते वो जानवर। इसमें दिक्कतें आई, फिर दो दो से तीन किंगडम हुआ, तीन साम्राज्य का वर्गीकरण हुआ है, फिर चार हुआ, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया, ऐसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। अब राइट हम 6 लाने के उसमें जल्दी, बहुत जल्दी आप लोगों की बुक्स के अंदर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आ जाएगा। फिलहाल तक आप 5 पढ़ रहे हो, आने वाले समय में जब आप पढ़ोगे तो आप देखना 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा। जब आप लोगों के बच्चे पढ़ रहे होंगे इस तरीके से कोई पढ़ाई, तो वो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है? और 4-5 साल के अंदर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे पास आ जाना चाहिए, बाकी रिसर्च है कुछ नहीं बोल सकते। तो अब हमने क्या देखा? हमने देखा कि भाई बहुत सारे आधार हैं, पर वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भाई, एम्ब्रियोलॉजिकल करेक्टर टेक्सोनॉमी में कौन है? एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब, एम्ब्रियोलॉजिकल भैया बच्चा कैसे पैदा हो रहा है, किस तरीके से पैदा हो रहा है? ये ओविपोरस है, ये विविपोरस है, ये अंडे निकाल रहा है या ये सीधा जीव को निकाल रहा है, ये किस तरीके से पैदा हो रहा है, ये सब देखने के लिए जो एम्ब्रियोलॉजी को बीच में लाया था वो कौन थे? उनका नाम था पंचनन महेश्वरी। उनका नाम था पंचानन महेश्वरी, ठीक है? कार्लस लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, पर उन्होंने एम्ब्रियोलॉजी को, यानी कि उन्होंने किसी भी भौणिकीय लक्षणों को बीच में नहीं डाला था। भौणिकी मतलब भाई बच्चे के करेक्टर्स, बच्चा ऐसा दिखना चाहिए, बच्चा वैसा दिखना चाहिए, बच्चे का ये होना चाहिए, बच्चा ऐसा होना चाहिए, ये सब इस तरीके का कोई भी करेक्टर उन्होंने इस आधार, मतलब उन्होंने इन करेक्टर्स को, इन लक्षणों को इस आधार में नहीं डाला। इन्होंने नहीं बोला कि भाई ये इसको हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये जितने भी भ्रूण हैं इसके आधार पे हम जीवों को अलग कर सकते हैं। तो जीवों को भ्रूण के आधार पे, भ्रूणों के अध्ययन के आधार पे जो अलग किया था वो क्या था? पंचानन महेश्वरी, ठीक? बेंथम एंड हुकर, जब भी वर्गीकरण का नाम आएगा बेंथम एंड हुकर आएगा ही आएगा। बेंथम एंड हुकर दो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा वर्गीकरण दिया था, पर इनके वर्गीकरण में थोड़ी सी दिक्कत आई थी। इन्होंने सेल्यूलर लेवल, कोशिकाओं के अंतर तक नहीं गए थे। और भी चीजें हैं इसमें, हम अभी से डिटेल में नहीं पढ़ रहे। बेंथम एंड हुकर अच्छी खासी बड़ी सी क्लासिफिकेशन है, पर एनीवेज अभी हम उसे नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम क्या बात करें, अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई फिलहाल जो एम्ब्रियोलॉजिकल करेक्टर्स था टेक्सोनॉमी के अंदर, वो सबसे पहले बारी कौन लेकर आया था? वो लेकर आई थी हमारी पंचानन महेश्वरी। इन्होंने बताया था भ्रूण कैसे होता है। कई जीव है जो सिर्फ भ्रूण को बाहर निकालते हैं, कई जीव हैं जो अंडे को बाहर निकालते हैं। भ्रूण के बाहर कैल्शियम की एक परत होती है जिसके अंदर भ्रूण घूमा हुआ होता है और भ्रूण अपना काम कर रहा होता है, वो अंडे को तोड़ता है कहीं कहीं से और बाहर निकल आता है। ये बताने वाली कौन थी हमको? ये बताने वाली थी हमको पंचानन महेश्वरी। पंचानन महेश्वरी ने ये हमको बताया था कि भाई हम लोग भ्रूण को किस तरीके से निकाल सकते हैं और किस तरीके, इसके आधार पर किस तरीके से हम वर्गीकरण कर सकते हैं, टेक्सोनॉमी कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सही आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि पंचानन महेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन। थायरॉइड ग्रंथि थायरोक्सिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करती है। ये किस लिए काम आता है? सबसे पहला, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड के अंदर, रुधिर के अंदर ग्लूकोज लेवल को कौन कंट्रोल करता है? कौन सा ग्लैंड होता है जो हमारी बॉडी के अंदर कितना ग्लूकोज रहना चाहिए कितना नहीं रहना चाहिए उसको कंट्रोल करता है? इंसुलिन।
ग्लैंड ग्रंथि पेनक्रियाज हार्मोन इंसुलिन। ओव्यूलेशन को कौन कंट्रोल करता है? ओव्यूलेशन के लिए बहुत सारे FSH है, LH है, आपके बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कर रहा है वो कौन कर रहा है? हमारा इंसुलिन। कौन कर रहा है? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि कौन बना रहा है? जो बना रहा है हमारे पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। इंसुलिन, ठीक है। और ओव्यूलेशन को कंट्रोल करने वाले यार बहुत सारे हैं, FSH है, LH है, प्रोजेस्टोस्टेरोन है, ये सारे किसको कंट्रोल करते हैं? ओव्यूलेशन को, कि भाई अंडा कब बाहर निकलना चाहिए शरीर से, अंडा कितना कितने बनते हैं शरीर में, कब बाहर निकलना चाहिए, कब इसको टूट जाना चाहिए, ये सारी चीजें कंट्रोल कौन करता है? हमारा बहुत सारे हार्मोन, FSH, LH, प्रोजेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, सब। सेम प्रेगनेंसी को, क्योंकि ओव्यूलेशन को ये कंट्रोल करते हैं तो प्रेगनेंसी को भी ये मेंटेन करके रखते हैं। मेंटेन करके रखने के लिए प्रोजेस्टोस्टेरोन होता है। तो यानी कि ओव्यूलेशन और प्रेगनेंसी दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो ये टूटेगा और मेंस्ट्रुअल बनाएगा, पर अगर ये हो गई, ओव्यूलेशन हो गया और आगे भाई ओवम बना, आप स्पर्म मिला, फर्टिलाइजेशन हुआ और डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, तो ये क्या करेगा? प्रेगनेंसी कॉज कर देगा। अगर ये प्रेगनेंसी कॉज कर देगा तो क्या करेगा भाई? यही हार्मोन उत्तरदायी होंगे इसके लिए, तो ये काम भी नहीं करता ये। तो फाइनली ये क्या करता है? मेटाबॉलिक। थोड़ा सा थायरॉयड ग्लैंड के बारे में सुनते हैं। यहाँ पे पाया जाता है थायरॉयड ग्लैंड, गले क्या? थायरॉयड ग्लैंड को, ये एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, अंतःस्रावी होता है। अंतःस्रावी मतलब हार्मोन को सीधा ब्लड में दे देता है। जो सीधा ब्लड में देगा, जिसके पास डक्ट नहीं होंगे, उसको क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडो और एक्सो, अंतःस्रावी बाह्यस्रावी में डक्ट है या नहीं है बहुत कंफ्यूजन होती है, इसको ध्यान से सुनो। मेरा घर है, मैं अपने घर के अंदर हूँ, अंतः अंदर हूँ, बाहें बाहर हूँ। अगर मैं अपने घर के अंदर हूँ, मेरे को पानी की एक बाल्टी चाहिए, मुझे नहाना है, तो हम क्या करें? अगर मुझे पानी की एक बाल्टी चाहिए तो हम क्या करेंगे? नलका खोलेंगे, उसके नीचे एक बाल्टी लगा देंगे, पानी भर जाएगा अपना पूरा बाल्टी के अंदर, और क्या होगा? आप उससे आराम से क्या करो? नहा लो, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कि भाई सामने वाला घर है, सामने वाले घर में पानी नहीं आ रहा, वो कह रहा है भाई मुझे एक बाल्टी पानी दो। अब क्या करें? अब मैं बाल्टियां भर के तो नहीं ले जा सकती, दूर है, तो क्या करें? यहां से वहां तक पाइप दे। तो अपने घर में यूज करने के लिए पाइप की जरूरत नहीं पड़ती, पर जब मुझे पानी सामने वाले घर में देना है तो पाइप की जरूरत पड़ती है। ये पाइप होता है डक्ट। सेम बात होगी बाह्यस्रावी, जब मुझे बाहर देना है किसी को कोई चीज तो मुझे पाइप की जरूरत पड़ती है, यानी कि मुझे डक्ट की जरूरत पड़ती है। पर जब यही चीज मुझे अपने घर के अंदर देनी है, मतलब मुझे अपने लिए चाहिए, तो मुझे इस पाइप की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगी? सीधा नलका खोलूंगी और सीधा नलके के नीचे से बैठ करके अपना काम, मतलब जो भी मुझे पानी चाहिए, जितना पानी भी मुझे चाहिए, वो लेना शुरू कर दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अंतःस्रावी में डक्ट नहीं होता, बाह्यस्रावी में डक्ट होता है। ये बात समझ में आ गई? बाहर जाना है तो पाइप चाहिए, इसका मतलब डक्ट है, अंदर रहना तो डक्ट नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी बाल्टी भरनी है, नलका चला के बाल्टी भर दूंगी, पाइप की जरूरत नहीं है, तो मतलब डक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। सबसे पहला ये एंडोक्राइन होता है, ये अंतःस्रावी होता है, इसके अंदर डक्ट नहीं पाए जाते। दूसरा, ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। ये क्या करता है? शरीर के सारे मेटाबॉलिक, या हम इसको बोलते हैं उपापचीय दर। उपापचीय दर मतलब, उपापचीय दर मतलब सब चीजें आगे, कितनी तेजी से ब्लड घूम रहा है, ऑक्सीजन कितनी तेज से ले रहे हो, पाचन कितनी तेजी से हो रहा है, ये सब मिलाकर बनाते हैं उपापचीय दर। मतलब भाई हम सब लोग मिलकर ये सारा शरीर जो बन रहा है किस प्रकार से काम कर रहा है, उपापचीय दर। अब ये कैसे काम करता है भाई? ये सारे के सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, इकट्ठे होने की वजह से सारे के सारे प्रोसेस इकट्ठे हो जाते हैं और मिलकर के काम करते हैं। पर जब ये थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है कम हो जाता है या बढ़ जाता है, तो हमारा शरीर या तो फूलने लग जाता है या तो पतला हो जाता है। फूलने लग जाएगा तो हमको क्या हो गया? हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। अगर हम श्रिंक हो जाएंगे तो क्या हो गया हमको? हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया। हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म, बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या कंट्रोल करता है? मेटाबॉलिक रेट। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतः प्रद्रव, अंतः ग्रंथियां, ठीक
ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि, सॉरी, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। देखो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लिवर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लिवर, पर अगर पूछा जाए अंतः स्त्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताओ तो थायराइड। ठीक, अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड। ये क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ये क्वेश्चन भी आते रहते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर में एनडीए के एग्जाम में आ चुका है पहले। जो भी मैं आपको ये सब बता रही हूँ, जिन भी क्वेश्चंस को, जिन भी ग्लैंड को थोड़ा इलेबोरेट करके बता रही हूँ, ये क्वेश्चन, ये वाली जो पॉइंट्स हैं, ये वाली जो लाइंस हैं, ये बहुत बारी रिपीटेड होती है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ठीक है, चले आगे। चलिए, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट से लिख के बताता रहो अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना है, या आप लोगों को नहीं समझ में आया है, कोई चीज रिपीट करनी है, कोई टॉपिक ऐसा जो आप चाहते हो कि मैं पढ़ाऊं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख करके बता दो। आप लोग का फीडबैक हम लोग को सच में बहुत जरूरत है। आप लोग फीडबैक देंगे, आप लोगों के लिए हम लोग ठीक करेंगे। ठीक, तो आप लोग फीडबैक दो आपको कैसा लग रहा है, और अगर आपको कोई कमी लग रही है तो हम उसको ठीक करके अगली वीडियो में आपके साथ आएंगे। ठीक है जी, ये हम लोग को छोड़कर नहीं जाने, ये वो क्वेश्चन है जो बार 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 रिपीट हुआ है। जब मैंने पार्ट वन कराया था तो आप देखना वो वाले कितने सारे क्वेश्चन आपको पार्ट टू में मिलेंगे। तो मतलब ये क्या होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं वो बार 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 क्या होता है, रिपीट होते रहते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन हमको छोड़ के कभी नहीं जाने। चले आगे। चलिए अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियम दैट कॉज डिजीज इन ह्यूमन बॉडी। इसमें से हमारे शरीर में कौन सा बीमारी कर रहा है ये बता दो, ये सबसे आसान है। वार्सिलेरा ज़ोस्टर हमारे शरीर में नहीं करता, ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस नहीं करता। ट्राइपैनोसोमा की एक प्रजाति हमारे शरीर में जरूर करती है पर गैम्बियंस नहीं करती। प्लास्मोडियम फैलसीपैरम, प्लास्मोडियम चार टाइप का हम लोग मलेरिया में देखते हैं, प्लास्मोडियम ओवेल, प्लास्मोडियम मलेरिया, प्लास्मोडियम ओवेल, सॉरी प्लास्मोडियम ओवेल, प्लास्मोडियम मलेरिया, प्लास्मोडियम फैलसीपैरम, प्लास्मोडियम वायबैक। और मैंने आपको लास्ट में बताया था प्लास्मोडियम नोल्स होता है, जो हमारे इंडियन एक साइंटिस्ट हैं गुप्ता जी, एम के दास गुप्ता, उन्होंने इसको डिस्कवर किया है पर अभी तक बुक्स में नहीं आया है। और मैंने आपको बताया था दो मलेरिया कॉज करते हैं, एक करता है हमारा मलेरिया ऑब्वियसली, एक वायरस, ये दो होते हैं जो हमारे अंदर मलेरिया करते हैं। तो फाइनली ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में जो बीमारी फैलाता है वो होता है सेलोमिनीला टाइफी। सेलोमिनीला टाइफी हमारे शरीर में क्या फैलाता है, सेलमोनीला टाइफी, टाइफाइड फैलाता है। सेलमोनीला टाइफी, ये आंसर इसका, सेलमोनीला टाइफी इसका आंसर करेक्ट है। ये हमारे शरीर में क्या फैलाता है, टाइफाइड। आगे चलें, कोई दिक्कत? थोड़ी सी हैंड राइटिंग खराब आ रही है क्योंकि भाई टाइफाइड, ठीक है, थोड़ी सी हैंड राइटिंग खराब है, कोई बात नहीं, समझ लेना, नेक्स्ट टाइम से हम लोग कोशिश करेंगे इसको ठीक करने। टाइफाइड, टाइफाइड सेल्मोनेला टाइफी करता है, ये एक बैक्टीरिया उसे होती है। और सबसे बड़ी बात, यही एक बैक्टीरिया, प्लास्मोडियम फैलसीपैरम क्या है, प्लास्मोडियम फैलसीपैरम हमारा प्रोटोजोआ है। ट्राइपैनोसोमा, ट्राइपैनोसोमा क्या है, प्रोटोजोआ। वेरिसेला, वेरिसेला हमारा होता है आपका वायरस। तो ये सारे क्या है हमारे, बैक्टीरिया है नहीं, बैक्टीरिया सिर्फ क्या है, सेल्मोनेला। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायरस इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सी वायरस से होने वाली स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं, पढ़ो एक बार खुद ही बता दोगे। वायरस नीड लिविंग सेल टू रिप्रोड्यूस, इसको विभाजन करने के लिए एक जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है, हाँ क्या ना, बिल्कुल होती है, ऐसे एक जीवित कोशिका की। देखो वायरस जो है ना, वायरस एक बहुत अलग सा जीव है, वायरस अपना काम खुद से नहीं कर सकता। अगर शरीर के बाहर है, अगर वो हमारे शरीर के बाहर है, तो ना वो सांस लेता है, ना वो खाना खाएगा, ना वो पानी पिएगा, ना वो विभाजित होगा। जैसे ही उसको हमारा शरीर मिलेगा, हमारी कोशिका में घुस के वो सब काम करेगा।
पर हमारी कोशिका के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? आगे चलें। श्योर। वायरस को लिविंग सेल चाहिए होता है, बिल्कुल सही है, पर वो क्या पूछ रहा है जो सही नहीं है? एएच वायरस आर पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? जो दूसरे शरीर पर निर्भर हो, उनके अंदर रहे और उनका सारा खाना पीना खा जाए। एएच जो वायरस होता है वो इसी तरीके का पैरासाइट होता है। एएच वायरस क्या करता है, जाता है किसी के शरीर में और जाकर सारा का सारा खाना खा जाता है। ठीक है। वायरस कैन सिंथेसाइज देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। क्या वायरस प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं? ना, फोटोसिंथेसिस सिर्फ वही कर सकता है जो हरा पौधा होता है, जो हरे रंग का होता है। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ वही करता है जो कि कौन से रंग का होता है, जो हरे रंग का होता है। ठीक। क्यों? क्योंकि भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है? क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो और क्लोरोफिल किस किस में होगी? जो हरे रंग का होगा, सिर्फ क्लोरोफिल उसी में पाई जाएगी। ठीक है जी, आगे चलें। वायरसेस आर सिमिलर टू केमिकल सब्सटेंस आउटसाइड द होल्स। केमिकल सब्सटेंस उसका बदलते नहीं है। केमिकल सब्सटेंस मतलब वो उसके पास जो डीएनए, प्रोटीन, वायरस जो भी उसके पास है वो वैसा ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। तो बदलता क्या है? बदलता है उसका आकार, उसकी शेप, उसके रिसेप्टर्स, ये सब बदलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण नहीं करता, वो दूसरों पर निर्भर करता है। वो पैरासाइट है, वो दूसरों, सॉरी, पैरासाइट है या फिर वो पैथोजन है। पैथोजन मतलब रोगाणु है, वो दूसरों पर निर्भर करता है अपने खाने के लिए, इसीलिए वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। आगे चलें। कोई दिक्कत यहां तक? श्योर। Which one of the following disease may be caused by the deficiency of vitamin C? इसके सारे विटामिन देखेंगे, ठीक है भाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके सारे विटामिन देखेंगे। चलो, रिकेट्स किसकी कमी से होता है? रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। रुको, मैं यहां लिखती हूँ दोबारा। विटामिन डी की कमी से होता है। रेबीज वायरस से होता है। हेपेटाइटिस वायरस से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन सी का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और की कमी से स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी क्या होता है? मसूड़ों से खून निकलने लगेगा। देखो, ये दो बीमारी है एक जैसी। या तो मसूड़ों से खून निकलेगा, सिर्फ खून निकलेगा, तो विटामिन सी से हुआ है, स्कर्वी हुआ है। या फिर क्या होता है भाई, मसूड़ों से खून निकलता है, दांतों का पीला पड़ना होता है, माउथ से स्मेल आने लगती है। जब सब कुछ हो रहा है, अगर सब कुछ होता जा रहा है तो ये क्या है? तो ये स्कर्वी है, तो ये पायरिया है अगर सब कुछ हो रहा है तो। पर अगर सिर्फ मसूड़ों से खून निकल रहा है तो ये स्कर्वी है। ठीक है। और विटामिन सी में क्या क्या मिलता है? विटामिन सी हमको कहाँ कहाँ से मिलता है? सॉरी, विटामिन सी हमको मिलता है सारे सिट्रस फ्रूट से, सारे खट्टे फलों से, मौसमी, नींबू, आंवला, संतरा, इमली, ये जितनी भी खट्टी चीजें होती है इनसे हमको क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। पर विटामिन सी अमरूद में भी मिलता है, जबकि अमरूद खट्टा नहीं होता। हम लोग को भी, पर फिर भी हम लोग को क्या मिलता है इससे? विटामिन सी मिलता है। कोई दिक्कत? चलें। अमरूद में भी विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। और विटामिन सी ना इम्यूनिटी, रोधक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। अभी आपको पता होगा कोरोना चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है। कोरोना के अंदर डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? इसकी कोई प्रॉपर दवाई तो है नहीं। जिसको कोरोना हो जा रहा है वो क्या कर रहा है? वो ये बोल रहा है कि भाई विटामिन सी बहुत ज्यादा लो, विटामिन सी जितना ज्यादा लोगे उतना ज्यादा आप लोग हील कर पाओगे, लड़ पाओगे, फाइट कर पाओगे। समझ में आ रहा है? एड्स। एड्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस। एड्स एक वायरस होता है। देखो, ये 2019 का रिपीटेड क्वेश्चन 2018 में भी रिपीट हुआ। सॉरी, उल्टा बोल गई ना। 2018 में पहले आया था, 2019 में ये फिर रिपीट हुआ है।
जो मैंने इससे पहले आपको वीडियो पढ़ाई थी पार्ट वन की, उसमें सेम क्वेश्चन आया था कि जो एड्स है, एड्स किससे बना होता है, एड्स का जो वायरस है वो किससे बना है। देखो जो वायरस डीएनए से बना होता है ना, डीएनए की फुल फॉर्म आप लोग को पता है सबको, जो डीएनए से बना होता है ना वो स्टेबल होता है, स्थाई होता है। आरएनए अनस्टेबल होता है, अस्थाई होता है, ठीक है। तो जो डीएनए से बना होता है, डीएनए की फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जो डीएनए होता है क्योंकि ये स्थाई होता है इसलिए इसको बदला नहीं जा सकता, इसको बदला नहीं जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में से बदल नहीं सकते। अगर एक रूप से दूसरे रूप में से बदलेंगे नहीं तो ये क्या होगा, एक रूप से दूसरे रूप में अगर ये नहीं बदलेगा तो हम इसको जल्दी ठीक कर पाएंगे, ट्रीट कर पाएंगे, इस पे काम कर पाएंगे। जबकि जो आरएनए होता है, अगर ये सिंगल स्ट्रैंड है, सब सुनना एक बार, भाई एक शादीशुदा शादी हुई हुई है, एक शादीशुदा कपल है, दो लोग हैं, तो भाई ये लोग लड़का या लड़की नहीं ढूंढेंगे ना कि भाई मुझे शादी करनी है, लड़की मिल जाए, लड़की मिल जाए, नहीं। पर जो सिंगल है, जो अकेला लड़का है, वो जरूर लड़की खोजेगा, कोई भी लड़की मिल जाए शादी करनी है, अरे कोई भी लड़की मिल जाए जल्दी से मिल जाए, है ना। तो वो क्या है, अनस्टेबल है, अस्थायी है, किसी के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, किसी से भी जाके बात कर लेता है। शादीशुदा ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो क्या है, उसकी शादी हो चुकी है, वो स्टेबल हो गया है। तो सेम इसी तरीके से डीएनए और आरएनए का यही अंतर होता है कि भाई जो डीएनए होता है वो क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, दो स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है। क्योंकि ये दो स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है इसीलिए क्या होता है, स्थाई होता है, जबकि आरएनए अस्थाई होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कई बार आरएनए डबल स्ट्रैंडेड भी होता है, आरएनए अगर डबल स्ट्रैंडेड होगा वो भी स्थाई नहीं होता, पर हाँ डीएनए से कम, पर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से थोड़ा सा ज्यादा स्थाई होता है, स्टेबल होता है। तो जो एचआईवी वायरस होता है ये बना होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से, और ये इतनी जल्दी जल्दी बदलता है ना अपने रूपों को, इतनी जल्दी रूप बदलता है कि हम इसके लिए दवाई खोज ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं खोज पा रहे हैं, क्योंकि भाई ये अपना रूप इतनी तेजी से बदल रहा है कि हम इसके लिए दवाई कैसे ही खोजे, कहाँ से ही लाए। जैसे ही हम इसको बोलते हैं कि भाई ये ले दवाई एक की बनी है, ये बी में बदल जाता है, अब फिर दवाई बेचारी कैसे पहचाने कौन सा वायरस है। तो इसका करेक्ट आंसर इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एक स्ट्रैंडर्ड का आरएनए होता है ये, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर इज, कहाँ गया कर्सर, इसका करेक्ट आंसर इज आपका सी, ठीक है। वन स्ट्रैंडर्ड आरएनए या सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए जो होता है आपका, दैट इज हाईली अनस्टेबल। और एचआईवी, एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो एचआईवी होता है, एचआईवी होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये वायरस एड्स कॉज करता है। तो ये जो वायरस होता है ये बना होता है, जो एचआईवी होता है एड्स का वायरस होता है, एचआईवी से एड्स होता है। इस वायरस के अंदर हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। जो अभी हमारा ये हुआ बनाया ना कोरोना वायरस, कोविड-19, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इसलिए इसके लिए भी हमको मुश्किल हो रहा है कि भाई हम लोग इसके लिए बहुत जल्दी दवाई नहीं खोज पा रहे, क्योंकि ये बहुत जल्दी बदल नहीं रहा है, रूप नहीं बदल रहा है, इसीलिए चांसेस आर देयर कि हम इसकी दवाई जल्दी खोज लेंगे, पर क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और इसके बारे में हमें पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम इसको अभी तक पढ़ नहीं पाए। समझ आ रहा है, आगे चलू, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। कहाँ चला गया, एक और क्वेश्चन ये रहा, सॉरी। ये क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनली दैट इज नॉन फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोट या प्रोकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मतलब पहले, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, जो पुराना न्यूक्लियस था दे आर प्रोकैरियोटिक, जो आज का न्यूक्लियस है दैट इज यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस यानी कि उसके पास केंद्रक झिल्ली नहीं होती, उसके पास क्या नहीं होती, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, या फिर उसके पास झिल्ली वाले, जिसके पास झिल्ली पाई जाएगी वो कोई भी कोशिकांग पाई नहीं जाती, ठीक है। प्रोकैरियोट्स पुराने जीव थे, यानी कि बैक्टीरिया की बात हो रही है, प्रोकैरियोट्स कर रहे हैं तो यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया के अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती,
झिल्ली वाले कोई भी कोशिका अंग नहीं पाए जाते, यानी कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस होता है, दो झिल्लियां हैं इसके पास में, दो कलाएं हैं इसके पास में, इसीलिए इसके पास में नहीं पाया जाता प्रोकैरियोट्स के पास। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास भी झिल्ली होती है इसलिए नहीं पाया जाता, मेम्ब्रेन होती है इसलिए नहीं पाया जाता। प्लास्टिड, प्लास्टिड जो ग्रीन कलर देती है ये नहीं पाया जाता। सेल वॉल, देखो कोई भी कोशिका है उसके पास सेल वॉल तो होगी ही होगी। सेल वॉल की होगी, सेल वॉल इसलिए होगी क्योंकि भैया उसको प्रोटेक्शन देनी है तो सेल वॉल तो होगी ही होगी। दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर वो एनिमल सेल है, सेल वॉल नहीं है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी, ये तो खुद एक कोशिकांग है, खुद एक झिल्ली है, ये तो पाई जाएंगी। दो कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम, राइबोसोम के पास झिल्ली नहीं होती, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि ये क्या करता है हमारा, ये पावर हाउस होता है, ये हमारे शरीर में एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी का निर्माण कैसे करता है ये? एटीपी का निर्माण ग्लूकोज को तोड़ता है, मतलब जो ग्लूकोज का विश्लेषण होता है, टूटना होता है, ब्रेकडाउन होता है, वो इसके अंदर होता है, तो इससे हम लोगों को एटीपी मिलता है। एटीपी क्या होती है? ये एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। जैसे आप लोग पैसों को काउंट करते हो, पैसों को कैसे गिनते हो? भाई मेरे पास पैसे हैं तो मैं क्या बताऊंगी, 10,000 रुपी है, रुपीज है, 500 रुपीज है, करेंसी हो गई ना। अगर अमेरिका चले जाएंगे हम बताएंगे मेरे पास $25 है, तो डॉलर क्या हुआ, करेंसी हो गई ना, मुद्रा हो गई ना। सेम इसी तरीके से अगर हमें बताना है शरीर में कितनी एनर्जी है तो हम एटीपी के रूप में बताएंगे कि भाई मेरे शरीर में 4 ATP, 5 ATP एनर्जी है, तो 5 ATP क्या हो गई, मुद्रा हो गई। इसलिए एटीपी को करेंसी ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको फिर मिल जाएगा प्रीवियस ईयर के अंदर, ये क्वेश्चन आ चुका है। ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं? करेंसी ऑफ एनर्जी हम लोग कहते हैं किसको? एटीपी को। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, कोई दिक्कत? अब हम करेंगे इसका पार्ट 3। आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम रेगुलर 2 o'clock इसको स्टार्ट करेंगे, 2 o'clock पर इसको वीडियो को चलाएंगे और रेगुलर बेसिस पर हम इसको पढ़ेंगे, ताकि ताकि आप लोग इसको आराम से कर सकें, कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। डन, कोई दिक्कत? श्योर। चलिए तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन की छोटी छोटी वीडियोस लेकर आऊंगी, पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 ईयर्स के पहले करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 11th 12th ईयर के करने लगेंगे क्योंकि 10 ईयर के बहुत रिपीट होते हैं, इसलिए हम 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अभी करेंगे। ठीक है, आप लोगों का काम क्या है, जो भी आप लोग पढ़ो, जो भी आप लोग पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चंस आप लोग करो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ इसके आंसर आप दो, जो गलतियां आपकी हो रही हैं या जो क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है इसमें से, आपको लग रहा है आपको नहीं आ रहा या आप लोग नहीं कर पा रहे हो या आपने नहीं पढ़ा, उस टॉपिक को आपने फिर से पढ़ना है। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मुझसे पूछना है। मेरा नाम है नुपुर गुलाटी, आप किसी भी सोशल मीडिया साइट पर आकर के मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। नुपुर, NUPUR, नुपुर GULATI गुलाटी। आप लोग को कोई भी फेसबुक पे आप लोग देख लो, इंस्टाग्राम पर देख लो, आपको मैं मिल जाऊंगी। आप लोग किसी भी जगह पर आकर के कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइम 24/7 आई एम अवेलेबल विद यू, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे आकर के क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक, तब तक के लिए इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है जी।